पुलिस की तमाम कवायद व जागरूकता अभियान के बावजूद ऑनलाइन ठगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार पथरीपारा निवासी कमलकांत यादव ठगी का शिकार हुआ। घटना 14 मार्च की है। सुबह के वक्त कमलकांत के मोबाइल में एक मैसेज आया। मैसेज में 2,85,000 और एक बाइक जीतने का जिक्र था। कमलकांत ने एक बार तो मैसेज को फेक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बार बार मैसेज आने पर वह भ्रमित हो गया। उसने उस नंबर पर कॉल किया तो अननोन कॉलर ने आइडिया केयर का कर्मचारी बताते हुए कॉल ट्रांसफर कर दिया और फिर शुरू हुआ ठगी का खेल। सर, मेरे साथ मतलब पिछले हफ्ते मेरे मोबाइल में मैसेज आया आइडिया कंपनी के नाम से, आइडिया केयर के नाम से दो मतलब एक मैसेज आया था। उसमें लिखाया था कि आप 2,85,000 और एक पल्सर बाइक के हैं। तो ये मैसेज मेरे पास दो बार आया था। तो एक बार में मैंने इग्नोर कर दिया था सर, और दोबारा फिर मतलब एक सप्ताह या 15 दिन के बाद आया। तो मैं सोचा उसको कॉल करके देखूँ, और कॉल किया तो सर उन्होंने बोला कि मेरे को मतलब आप 2,85,000 जीत चुके हैं और एक बाइक जीत चुके हैं। फोन पर जिस व्यक्ति ने कमलकांत को तमाम प्रलोभन दिए, उसने अपनी पहचान आयकर विभाग और RBI का अफसर बताया। उसने फॉर्म भरने के नाम पर 350 रुपए का मोबाइल रिचार्ज कराया। इसके बाद 7,500 रुपए जमा करने को कहा। उसकी बातों में आकर कमल ने रकम उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया। मैं RBI से हूँ और आपका केस मैं ही देख रहा हूँ। आपका 2,85,000 का केस है जो मेरे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना है बोल के मेरे को बोला गया सर। तो मैं उनके बातों में आ गया। मैंने पूछा कि क्या करना है इसके लिए। तो उन्होंने पहले मेरे से बोले कि 2,85,000 का उसका GST वगैरह कटेगा, उसके लिए आपको 7,500 मेरे अकाउंट में एक अकाउंट नंबर दूंगा, उसमें जमा करना पड़ेगा। तो सर मैं लालच में आके ये भी कर दिया। यानी कुल 7,850 रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर चुका था। इसके बाद लगातार उस व्यक्ति से फोन पर बात होती रही। इनाम की रकम 2,85,000 और बाइक मुहैया कराने की बात होती रही, मगर एक सप्ताह बीतने के बाद भी जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो कमलकांत को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हुआ है और मामले की शिकायत रामपुर चौकी में दर्ज की गई। मेरे से कॉन्टेक्ट में रहे तो मेरे को लगा सर कि ये मतलब थोड़ा सा फर्जी नहीं हो सकते, इसलिए मैं उनके कॉन्टेक्ट में रहा सर। और वो धीरे धीरे बोलते रहे कि आज देंगे कल देंगे, पैसा बोल के घुमाते रहे सर। अभी क्या स्थिति है? अभी सर लास्ट बार भी मेरे को मतलब मेरे सर मैंने उनको अपना अकाउंट नंबर दे दिया, अकाउंट नंबर, ATM, पिन कोड सब दे दिया सर उसको। और उसके बाद फिर सर जैसे जैसे उन्होंने बोलते गया मैं करते गया, बट सर मेरे अभी तक मेरे में पैसा नहीं आया सर। तो मेरे को अभी लग रहा है कि मैं मतलब एक ठग का शिकार हुआ हूँ। ऑनलाइन ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। जिले में कमोवेश सभी थाना चौकियों में ऑनलाइन ठगी के मामले दर्ज हैं, मगर अब तक किसी ठगराज पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। हालांकि पुलिस लोगों को इस संबंध में जागरूक करने का प्रयास करती रहती है, लेकिन मोटी रकम व वाहन के लालच में लोग लगातार इस चक्कर में फंसकर आर्थिक नुकसान झेलते हैं। सहयोगी अरुण के साथ लक्ष्मण दास महंत, ACN News, कोरबा।